डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे बात कर रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव से भी बात कर रहे थे. अगेन मैं शायद इनको कैटेगराइज नहीं करूंगा. हम जितनी भी बातें करते हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए होती हैं. आगे चल के जो 20 प्रोबेबल्स अनाउंस हुए हैं श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ के लिए, उस पर भी बात करेंगे. कल से कैंप लगने वाला है, आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हम लेंगे इन 20 प्रोबेबल्स के बारे में. क्या नई सोच नज़र आ रही है या नहीं नज़र आ रही है, इस पर भी आगे चल के बात करेंगे. बट योर पॉइंट ऑफ व्यू आसिफ, आपकी तरफ भी आऊँगा. एज फार एज हैविंग यंगर प्लेयर्स इन द डोमेस्टिक सर्किट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, हम उस मुल्क से हैं जहां हमने हसन रजा को 14 साल की उम्र में डेब्यू भी कराया हुआ है पाकिस्तान के लिए. तो आप मुझे ये तो ना कहें कि 20 ईयर ओल्ड किड इज़ टू यंग. आपको एट टाइम्स स्किल रियलाइज करके बड़े बच्चों के साथ डालना पड़ता है कुछ बच्चों को. यहाँ नहीं खिलाएंगे तो फिर कहाँ खिलाएंगे? एग्जैक्टली. चलें, आपने जो बात की मैं इस पर आपको एग्जाम्पल देता हूँ. सिंध की टीम है जी, सिंध की टीम का टॉप स्कोरर कौन? कहाँ से हैं वो? पंजाब से. बहुत अच्छे प्लेयर हैं जी. क्योंकि आपने सिंध पंजाब में बांटा है क्रिकेट को, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि उसका पहला राइट यहाँ से खेलना नहीं बनता था. क्योंकि ओपनर उमर यूसुफ बाहर बैठा है ना, जो इसी रीजन का है. उमर बिन यूसुफ की बात कर रहे हैं. उमर बिन यूसुफ राइट एंड बैट्समैन 19 से खेल रहे हैं. बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं. सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि उमर बिन यूसुफ एक्स वाई जेड बाहर बैठा है, उसको यहाँ पे होना चाहिए था. आबिद बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनकी पंजाब में जगह होनी चाहिए थी. या फिर अगर उनकी पंजाब के मेन टीम में जगह नहीं बनती तो फिर सवाल लगता है कि क्या अच्छे प्लेयर हैं. हैविंग सेड दैट सवेरा, ऑलरेडी तीन टीमें हैं वहाँ की. अगेन हम शहरों की बात नहीं कर रहे हैं, कर सकते हैं क्योंकि अब आपने टीम को, अब आपने क्रिकेट को बांटा. फिर भी हमारा, अब इसमें मैं बात करूँ जो क्रिकेट की डिविजन हुई है, पंजाब और केपी के रीजन को ज्यादा शेयर मिल गया. पंजाब के पास तीन टीमें आ गई, सेंट्रल पंजाब, सदर्न पंजाब और कुछ हिस्सा नॉर्दर्न का भी. हाँ बिल्कुल. केपी के पास भी इसी तरह हो गया, केपी की एक टीम हो गई और बाकी शेयर नॉर्थ में आ गया. यानी केपी को भी दो, मतलब डेढ़ डजन मिल गए. बलोचिस्तान की टीम में भी आपको वहां के लड़के नजर आ रहे हैं. सिंध में जितनी क्रिकेट होती है उतनी ही क्या बलोचिस्तान में क्रिकेट होती है? जितने बलोचिस्तान के प्लेयर है क्या उतने ही सिंध के प्लेयर है? बिल्कुल नहीं, भी नहीं, नहीं है ना जी. तो फिर आपने जो छह टीमें बनाई है, जो कंपोजिशन की ना, उसमें कहीं सोचना पड़ेगा क्या कहीं ज्यादा तो नहीं हो रही किसी रीजन के साथ? नहीं, मतलब पहले तो ये सोचना चाहिए कि एक क्राइटेरिया क्या था ये टीम्स बनाने का. एग्जैक्टली माय पॉइंट. किसके यस और नो पे ये टीम्स बनी? एग्जैक्टली माय पॉइंट. द प्लेयर्स के क्यों? और फिर जब हम ये बात कर रहे हैं कि जी सिंध की बात ना करें, पंजाब की बात ना करें, वो बायस ना लाए बीच में, तो जब हम रीजन्स पे खेल रहे हैं, जब बात ही आ गई कि अब रीजन्स की टीम है, जब आपने बात की कि रीजनल एफिलिएशन्स हो के लोग ओन करें टीम को, तो भाई फिर सिंध का लड़का जब सिंध से खेलेगा तो सिंध वाला ओन करेगा, जब पंजाब का लड़का सिंध से खेलेगा तो वो ओनरशिप नहीं होगी. आप ठीक है, एक कमर्शियल या एक ये कह लें कि एक अट्रैक्शन वैसे आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर वो ओनरशिप वाली बात नहीं आएगी. बट आप बलूचिस्तान की टीम में भी देख लें, सिर्फ चार बलूचिस्तान के प्लेयर्स हैं जो आपकी फर्स्ट 11 में है. तो इसका मतलब ये है ना कि जब बलूचिस्तान में भी इतना प्लेयर्स नहीं है, तो बलूचिस्तान की भी आप एक टीम बना रहे. सिंध जिसके प्लेयर्स बाहर बैठे हैं टू अकोमोडेट पंजाब रीजन का प्लेयर, उसकी भी आप एक टीम बना रहे. तो ये तो एक रीजन वाइज डिस्कशन हो गया सवेरा. एज फार एज एज वाइज डिस्कशन इज कंसर्न, आपको क्या लगता है कुछ लोगों को अब साइडलाइन कर देना चाहिए और नया ब्लड लाना चाहिए? आपका क्या पर्सपेक्टिव है? क्योंकि हम मैं और फैजान इस बारे में बात कर रहे थे. मुझे ये लगता है कि फिर कमिंग बैक टू मिसबाह, क्योंकि हमारे पास एक एग्जाम्पल जो मिसबाह उल हक की है कि मिसबाह जो है अपने 40-42 तक खेले, 44 तक लास्ट खेले, द मैच ही प्लेड ही वाज 44 एट दैट टाइम. सो हाउ कैन यू वेव आउट अदर प्लेयर्स? देन फिर तो आप ज्यादती कर रहे हैं. ये तो आपके अब हेड कोच है, आप हेड कोच की जो प्रेसिडेंट है. लेकिन एक सवाल तो आ जाता है कुछ प्लेयर्स पर कि यार अब तो इनका कोई चांस नहीं बनना, तो फिर वो क्या करें, घर बैठ जाएं? आपने डिपार्टमेंट बंद कर दिए. माय क्वेश्चन इज इमरान फरहत अब अगर इस पूरे सीजन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं, आप उनको टीम में ले लेंगी? नहीं, इसमें नहीं, वो टीम में नहीं आएंगे, बट एटलीस्ट डोमेस्टिक वो क्या सवाल कर रहा हूं मैं आपसे भाई, टीम में आ जाएंगे. डोमेस्टिक सर्किट का मकसद ये है, डोमेस्टिक सर्किट का मकसद ये है कि ये आप आप ब्रीडिंग ग्राउंड है, यहां से आपको नेशनल टीम के लिए ऑप्शन मिलने चाहिए. जब आप नेशनल टीम के लिए टीम बनाने बैठे तो ये कोई भी ना कहे कि हमारे पास टैलेंट नहीं है. हमारे पास ओपनर्स के लिए 6 बंदे होने चाहिए, मिडिल ऑर्डर के लिए हमारे पास 10 बंदा होना चाहिए, 4 स्पिनर हमारे पास होने चाहिए तगड़े, 10 फास्ट बॉलर हमारे पास होने चाहिए तगड़े, तैयार. बट दुनिया भर के डोमेस्टिक में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्लेयर जरूर खेल रहे होते हैं जो कि सीनियर्स खेल रहे होते हैं, ब्लेंड होता है ना सीनियर और जूनियर का, और वो इसलिए खेल रहे होते हैं कि देखिए क्रिकेट इज
जो क्रिकेट ही आती है उनको करना. अब आप इमरान फरहत को निकाल के साइड पे कर देते हैं, व्हाट नेक्स्ट? आप एक क्रिकेटर को आप मैसेज क्या दे रहे हैं? बट आप उस क्रिकेटर को क्या मैसेज दे रहे हैं? उनको किसी कोचिंग टास्क के लिए लगा दें आप. और भी आपने अब्दुल रहमान को भी लगाया है ना, डिपेंड्स के कौन कहां लगना चाहता है. 90 से तो खेल रहे हैं इमरान फरहत. ये डिसीजन म्यूचुअल होना चाहिए, प्लेयर का भी और बोर्ड का भी. सर देखिए, मैंने 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 इस सवाल का आगाज ही इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया था कि यार उन सब के अपने मसाइल हैं, ठीक है, हम किसी की नौकरी के खिलाफ नहीं है, बट हमारा मेरा जो ये सवाल है ये पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए है. एक लड़का अगर पाकिस्तान के लिए नहीं खेलने वाला तो क्या हम ये सोच के उसको टीम में रखें कि फिर वो क्या करेगा? आप उसको कोच बना दें. अब्दुल रहमान भी तो कोच हैं और भी तो लोग हैं, फैसल इकबाल भी तो अब एज अ कोच अप्लाई कर रहे हैं, तो आप करें ना. नामों पे ऐसा नहीं, वो कोच नहीं, वो मेंटोर और मेंटोर एंड प्लेयर वन वे और द अदर है ना सर्किट में. माय क्वेश्चन इज क्यों ना हम यंगस्टर्स को लगाएं जी, क्यों ना उमर बिन यूसुफ की जगह बन जाती, इमरान फरहत को नहीं लेते आप, वो उमर बिन यूसुफ वहां से खेल लेते, वहां से जा सकते थे, ठीक है. तो ये देखें दानिश, ये पॉइंट आपका ठीक है, लेकिन ये सीजन निकलने दें आप. अब गलतियां आने दें, हम करते क्या है, ट्रायल एंड एरर, हर चीज में ट्रायल एंड एरर. तो सबसे पहला सवाल तो आपने ये करना है कि 3 साल पहले जब एक दूसरा सिस्टम था, जब 26 टीम्स ने फर्स्ट क्लास खेला, उस वक्त भी उसकी बहुत तारीफें हो रही थी. उससे 2 साल के बाद जब 16 टीम्स ने फर्स्ट क्लास खेला लास्ट ईयर तक, और वही ड्यूक का गेंद जब वो नचा रहा था बैट्समैनों को, यही लोग तारीफें कर रहे थे. अब यही लोग फिर से तारीफें कर रहे हैं. जरा थोड़ा सा दे हैव टू पुट देयर हाउस इन ऑर्डर. पूछना पड़ेगा आपसे कि इससे पहले की इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ, ये लोकल इंडस्ट्री आपकी कहाँ जाएगी जो बॉल्स बनती हैं सियालकोट में, अगर आप यही कुकाबूरा खरीदते रहेंगे. ये सवाल मैंने किया था तो जवाब ये आता है कि वो क्वालिटी ऑफ बॉल नहीं बना पा रहे हैं. ये जो आप क्वालिटी बॉल हम इस्तेमाल करके भी क्या पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ नहीं किया आपने. हर चीज को आपको चीजों को साथ से T20 प्रोबेबल्स के बारे में बात कर लेते हैं. फैजान, आपसे स्टार्ट करते हैं. आपकी नजर में ये जो 20 प्रोबेबल्स अनाउंस हुए हैं ये सही हैं? कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं जो इस टीम में मौजूद हैं, आपकी नजर में ठीक है ये 20 लड़के? देखिए, एक तो बुनियादी तौर पर श्रीलंका की जो टीम आ रही है वो सेकंड स्ट्रिंग टीम है, बल्कि बिल्कुल बी टीम है, मतलब थर्ड स्ट्रिंग टीम ही कह लेंगे आप से. और हमारी होम सीरीज है, तो होम सीरीज में आप हमेशा प्लेयर्स का दायरा बढ़ा सकते हैं. आपके पास मौका होता है कभी भी किसी भी प्लेयर को आप इन करवा सकते हैं उस सीरीज में. होम सीरीज का यही फायदा होता है. बेहतर होता कि हम इस सीरीज के लिए नौजवान खिलाड़ियों को. कौन नौजवान लड़के जो आपके जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नौजवान लड़के खेल रहे हैं? मैंने नहीं देखा कि कोई अटैकिंग अप्रोच से एक नया सेटअप आया एकदम से आके सारी चीजें चेंज कर देंगे. हारते तो हारे कोई बात नहीं, दे वांट विन्स. कोई इतना गटसी नहीं आया अभी तक सामने. बिल्कुल नहीं, दे वांट विन्स इन देयर बैग. वो अगर एक श्रीलंका की थर्ड स्ट्रिंग टीम भी आ रही है तो वो ये नहीं चाहेंगे कि थोड़ा सा भी हमें डाउट हो कि हमारी टीम कुछ ऊपर नीचे हो जाए. नहीं जी, जीतेंगे कंफर्म. तो वो जीतने के लिए हम फिर स्क्वायर वन पे चले जाते हैं. हर दफा क्यों ऐसा होता था कि आईसीसी के इवेंट में हम पलट के पीछे देखते हैं और सारे पुराने उनको ले आते हैं प्लेयर्स को जिनको हमने कहा होता है कि अब ये नहीं खेलेंगे, इसीलिए क्योंकि हम हारने से डरते हैं. और वही अप्रोच हमें फिर से दिख रहा है. और यही वजह है आसिफ कि हमें बैकअप प्लेयर्स नहीं मिलते. यही वजह है कि हमारी टीम से एक बंदा 20 साल तक खेलता है और अपनी रिटायरमेंट के करीब आते हुए कहता है मैंने 20 साल इसलिए खेला क्योंकि पाकिस्तान में तो टैलेंट ही नहीं है. ठीक है, आपने टैलेंट बनने नहीं दिया. आप मिसबा और यूनुस की बात करते हैं. ठीक है, पाकिस्तान के दो ग्रेट्स हैं, बड़ा सर्व किया उन्होंने पाकिस्तान को, लेकिन एक अच्छे प्लेयर को अपने पीछे दो प्लेयर्स और बनाने चाहिए जो कि नहीं बनते. और यही बात सवेरा कर रही थी कि हम सिर्फ प्रेजेंट का सोचते हैं कि ये सीरीज हम किस तरह जीत सकते हैं, वो भी हम मर के जीतते हैं. सॉरी फॉर द हार्श वर्ड्स, बट ये रियलिटी है. देखिए, एक चीज होती है जीतना, एक चीज होती है डेवलपमेंट. जी, अब ये जो फेज होता है आपका बिटवीन टू वर्ल्ड कप्स, ये आपका डेवलपमेंट फेज भी होता है. आपने जीतना तो है क्योंकि आपने अपनी रैंकिंग को मेंटेन करना है, लेकिन होम सीरीज आपके पास सबसे बेहतरीन मौका. आई एम सॉरी, मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे वकार अनस का स्टेटमेंट याद आ गया कि हमें विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही आगे जाना चाहिए. केड़ा विनिंग कॉम्बिनेशन भाई, कौन सा विनिंग कॉम्बिनेशन में वकार अनस नहीं थे. अपने दौर की बात कर रहा हूं. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस कॉम्बिनेशन मीन्स सारे माइंड्स एक साथ ना, सारे कोचेस भी, सब कोच, सारा होता है ना, पूरा एक टीम वर्क होता है ना, तो उसमें तो वकार नहीं थे. तो फिर अगर उनको भी नहीं होना चाहिए,
आप कब करेंगे? अगर ये होम सीरीज में इतनी कमजोर टीम के खिलाफ आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो फिर आप कब करेंगे? इसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, बांग्लादेश से खेलना है। जब तक हमारी ये पॉलिसी क्लियर नहीं होगी ना ड्रॉप करने की और रेस्ट करने की, तब तक जो है चीजें सॉर्ट आउट नहीं होंगी। रेस्ट करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा। अच्छा, कुछ क्योंकि एक लड़का जो कि रेस्ट करता है उसके बाद सिक्योरिटी भी है सवेरा, ये भी बहुत नहीं। मैं चाह रहा था कुछ प्लेयर्स का नाम आप लोग जरा लेते हैं जी। पूल ऑफ टैलेंट नहीं है, टैलेंट है ही नहीं, तो फिर प्लेयर्स इनसिक्योर क्यों अगर टैलेंट ही नहीं है पीछे? नहीं, ये भी देखे ना, प्लेयर्स को जो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हमेशा ये खटका रहता है कि यार कोई पीछे से आ गया और स्कोर कर गया तो मेरा तो कैरियर तबाह बर्बाद। ये इनसिक्योरिटी इनसिक्योरिटी बोर्ड की तरफ से दी जाती है। अगर बोर्ड ये आपको वो करवाए, कंफर्म करवाए कि आप रेस्ट पर हैं, ये सीरीज आप रेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह वर्ल्ड कप से पहले हुआ जब हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले तो ये पता था कि वो लड़के रेस्ट कर रहे हैं और उनके अगेंस्ट कोई भी लड़का अच्छा परफॉर्म करेगा तो ऐसा नहीं कि उसकी जगह छिन जाएगी। ये कॉन्फिडेंस जब तक बोर्ड इन प्लेयर्स को नहीं देगा वो अपने लिए खेलते रहेंगे, वो सेल्फिश खेलते रहेंगे। मेरा मसला इस वक्त सारा ये है, इन 20 प्रोबेबल्स को आप ले लें, अगर हम इसे 15 अनाउंस भी कर देते हैं, उन 15 अनाउंस होने के बाद कम अज कम 6 नाम ऐसे हैं जिनकी टीम में जगह नहीं बनती, जिन्होंने पिछले 1.5-2 साल में कुछ नहीं किया टीम के लिए। नाम लें, इक्का दुक्का, इमाद वसीम, फहीम अशरफ, हसन अली की बहुत मीडियोकर परफॉर्मेंस, फखर जमान की तो जगह ही नहीं बनती, मैं सॉरी सीधे नाम ले रहा हूँ, फखर जमान की जो जगह ही नहीं बनती टीम में, माफ कीजिएगा मुझे, किसी किस्म की परफॉर्मेंस नहीं है, टेक्निकल फ्लॉज है मेजर, सरफराज नीड्स टू स्टेप अप हिज गेम, शादाब खान की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा गिर चुकी है, हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा सर इन सारे नामों को, हम डर नहीं सकते। इनकी परफॉर्मेंसेस क्यों खराब हुई? वही गोइंग बैक टू इनिशियल पॉइंट्स, क्या हमने इनको प्रॉपरली ग्रेजुएट नहीं किया टुवर्ड्स पाकिस्तान टीम? हम 2 परफॉर्मेंसेस पीएसएल की उठा के ले आए, एक सीजन अच्छा हो गया, उसके बाद फिर ढेर हो गए। तो भाई प्रॉपर तरीका होता है प्लेयर्स को ग्रेजुएट करने का। पीएसएल ठीक है, आपने परफॉर्म किया, वो 4 ओवर की क्रिकेट है भाई, वो 4-4 ओवर वहां पे बॉलिंग करा। मुझे प्रॉब्लम फैजान सिर्फ इतना है कि जिन लोगों ने बेचारों ने परफॉर्म किया पिछले 10-15 सालों में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, उनको आपने पूछा नहीं, वो गायब हो गए। ताबिश खान बुड्ढे हो गए, आसिफ जाकिर बुड्ढे हो गए, काशिफ भट्टी बुड्ढे हो गए परफॉर्म करके, ठीक है, उम्मीद अभी भी है उन बेचारों को, क्योंकि हमारे जो कप्तान और अब हेड कोच और चीफ सेलेक्टर हैं वो भी 30 साल की उम्र में डेब्यू करके इतना जबरदस्त करियर अपना गुजार चुके हैं। हैविंग सेड दैट, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगी, मेरिट बेस्ड सारा काम होगा, पसंद नापसंद की बुनियाद पर नहीं होगा, तो चीजें बेहतर होंगी वरना नहीं होंगी।